अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं नईम अहमद और आप देख रहे हैं ऑफिशियल नईम, अल्लाह के फजल व करम से ब्रेक में लॉक के अंदर हम हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो है ना प्रोग्राम अचानक बन गया हैदराबाद जाने का। तो जलील भाई मेरे साथ यहां पे खड़े हैं, तो हमारी बाइक भी रेडी है। तो आज जलील भाई मिल गया, उन्होंने कहा यार चलो हैदराबाद चलते हैं, थोड़ा सा काम है। मैंने कहा चलो निकल चलते हैं, मेरा भी थोड़ा सा काम था। तो बस अचानक ऐसे ही बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम बन गया। अभी हम फ्यूल स्टेशन के ऊपर, आप देख सकते हैं हम खड़े हैं यहाँ से। तो अभी फ्यूल डलवाते हैं बाइक में, फिर निकलते हैं। और आज का व्लॉग हमारा जो है ना बहुत जबरदस्त होने वाला है। बाकी आगे मिलते हैं व्लॉग के अंदर। और आप दोस्तों से यार छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें यार, ज्यादा से ज्यादा जितना आप हो सकते हैं हमें सपोर्ट करें आप। हमारा फ्यूल लग रहा है गाड़ी में अभी, दोस्तों फ्यूल लग गया, अभी निकलते हैं हम गाड़ी से। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो गाइस जैसा कि अभी लगवा लिया, अभी निकलते हैं हैदराबाद के लिए। तो सबसे पहले अभी सेफ्टी जो है होना लाजमी है। तो जब भी आप बाइक चलाते हो तो सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए। अभी पहनते हैं हेलमेट, तो उसके बाद ही बाइक चलाऊंगा, क्योंकि मैं बगैर हेलमेट के बाइक नहीं चलाता, क्योंकि सेफ्टी का ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अपनी फादर और उसके बाद जो ना आप बाइक चलाएं वैसे। तो डीएस अभी हेलमेट हमने पहन लिया है, तो अभी स्टार्ट करते हैं बाइक को, आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। तो गाइस अभी फाइनली हम जो है हैदराबाद पहुंच गए। अभी मैं इधर शाही बाजार के अंदर खड़ा हूँ। तो मेरी मिसेज ने फरमाइश की थी कोई निम्को वगैरह कुछ छोटी चीजें लेने नहीं, तो दलील भी मेरे साथ है, अभी खड़ा है, उसको भी थोड़ा बहुत काम था, वो भी हमने किया। अभी यहाँ से निम्को लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं सदर, थोड़ा काम है सदर से होके फिर इंशाल्लाह कासमाबाद की तरफ हो सकता है। अभी देख सकते हैं यहाँ से निम्को लेते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या रेट है पाव? 140 रुपए पाव। तो लेनी तो अभी मिक्स है, सारी हैं इसमें अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट है। तो ये जो मिक्स पड़ी है इसका क्या रेट है? 140। और ये जो पड़ी है? 140। अच्छा, तो पाव मिक्स में से दे दें। तो भाई ये देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ से निम्बो ले रहे हैं, निम्बो लेके फिर सदर की तरफ चलते हैं। रश बहुत है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ट्रैफिक बहुत जमा हो गई है यहाँ। ये भाई अभी हमें निम्बो दे रहे हैं यार, निम्को देना अच्छी सी देना, ठीक है। अभी इन भाई के पास आए तो पहली दफा है, पर अभी देखते हैं किस तरह का इनका जायका। ये चेक कर सकते हैं, भाई ने मिक्स निम्को बना के हमें दिए, तो अभी हम इसको लेते हैं। अभी भी भाई बना रहे हैं, ये लो भाई, भाई की प्यार और मोहब्बत। ये देखते हैं भाई को पैसे, अभी निकलते हैं पैसे देंगे, क्योंकि रश बहुत है और इधर शोर भी बहुत आ रहा है। ये भी बहुत जबरदस्त था, शुक्रिया, थैंक यू, जदा करना। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं अभी निम्को ले ली है, तो अभी निकलते हैं सदर की तरफ। निम्को हमने ले ली है, अभी जलील भी इंतजार कर रहा है, तो निकलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली अभी हम सदर पहुंच गए, तो अभी ये जलील भाई यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी जलील भाई सोच रहे हैं कि क्या करूँ यार, वो भी बेचारा व्लॉग बना रहा है, पर वो अभी मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मैं अभी अपने काम में लगा हूँ। तो अभी ये गाड़ी यहाँ पे पार्क की है चाचू शकील के यहाँ, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो इनके पास गाड़ी पार्क करता हूँ। तो अभी चलते हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि माइक मुझे वॉलेस लगाना चाहिए था, पर अभी मेरे पास है नहीं, तो फिलहाल मैंने इसी पे इसको लगाया हुआ। अभी जा रहे हैं मार्केट की तरफ, तो अभी पहले तो मिलना था मुझे गालिब भाई से मैं नहीं मिल पाया हूँ। अभी देखते हैं, जलील मेरे ख्याल से पीछे ही रह गया, ब्लॉग बनाते बनाते पीछे ही रह गया, अभी वो भी आ रहा होगा।
अभी चेक करते हैं किधर रह गया यार। बाइक चला रहा था, बहुत सारी कॉलें लगी हुई है भाई, एटीएम सेंटर की तरफ जा रहे हैं अभी, यहाँ पे एंटर होंगे, हमें लेना है माइक, तो माइक के लिए अभी हम सीधे जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो चाचू वायरलेस माइक चाहिए था, K8 और K9 के जो वायरलेस माइक है ना वो दिखा रहे हैं, K8 K9 कोई से अभी इनमें से चेक करते हैं जो इनके पास हो। आपने कौन सा लिया था, ये वाली पैकिंग थी या पैकिंग चेंज थी? इफेक्ट K8 यही है ना? हाँ पैकिंग चेंज थी, यही थी सेम एज कलरिंग वगैरह कोई फर्क? सेम यही है। चलो चेक कर लेते हैं। जलील ने लिया था अभी, वो माइक्रोफोन इसका जो है ना सही से काम नहीं कर रहा, तो इसकी क्वालिटी मतलब चीप प्राइस है, शायद कॉपी है ओरिजिनल। तो भाई अभी जो है ना फाइनली हमने वायरलेस माइक, तो अभी मेरी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है वायरलेस माइक से हो रही है, अभी हमारी जान छूट गई है वायर वाले माइक से, तो अभी इमरान भाई की शॉप से हमने फाइनली यहाँ परचेस कर लिया माइक, तो ये अभी हमारी शॉप है जहाँ से हमने माइक परचेस किया, तो उम्मीद है कि ये ओरिजिनल चीज़ होगी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में दो नंबरी बहुत ज़्यादा होती है, एहतियात करना पड़ता है। बहुत ही मैंने चेक किया बाय ट्रैफिक में इधर उधर दाएं बाएं जाके, उसके बाद ही जाकर जब फाइनल हुआ है मुझे मतलब कंफर्म हो गया कि ओरिजिनल है। तो चलो फाइनली गाइस हमारी जो बाइक वगैरह ले लिया, अभी हम चलते हैं बाहर की जानेब, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, अभी जलील कह रहा है देखते हैं कहीं पे बैठ के कोई चीज़ खा लेते हैं, तो अभी हमारा प्रोग्राम तो है पर अभी इधर तो नहीं बैठ के खा सकते, तो देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ व्यूअर्स के कहीं पे सूटेबल जगह मिल जाए जहाँ पे बैठ के हम कुछ खा पी लें, फिर हो सकता है जानपुर जाना पड़े, वहाँ से कोई चीज़ें खानी है, फिर घर की तरफ निकलना पड़े। तो अभी पार्किंग में आ गए, यहाँ से बाइक निकालते हैं, तो अभी हमारी ये बाइक खड़ी है देख सकते हैं, तो अभी इसको निकालते हैं, चाचू शकील भी खड़े हैं अंदर, तो अभी यहाँ से निकाल के फिर निकलते हैं आगे की तरफ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। जैसा कि दोस्तों अभी हम जो है ना कासिमाबाद फूड पॉइंट पे आए हैं, यहाँ पे बिरयानी खाने, तो जलील भाई ने कहा बिरयानी खाएंगे, ये कासिमाबाद फूड पॉइंट भाई देख लो, तो ये कासिमाबाद फूड पॉइंट है, यहाँ पे बिरयानी खाने आए हैं, तो अभी चलते हैं बिरयानी खाते हैं, फिर हमें जाना है जामशोर, थोड़ा बहुत काम है वहाँ से, फिर हमें निकलना है गाँव, तो अभी चलो बिरयानी खाते हैं। आ जाओ भाई, जगह है खाली, जगह तो कोई खाली नज़र नहीं आ रही। हाँ जलील, जगह तो कोई खाली नज़र नहीं आ रही भाई, आल बुक। भाई सामान बहुत सारा ले लिया है, तो अभी जलील भी फंस गया सामान उठा उठा के, तो देखो जलील का है कुछ मेरा था, तो अभी हमने तैयारी पकड़ी हुई है, भूख बड़ी ज़बरदस्त लगी है, तो कुछ खा पी के फिर हमें जाना है जामशोर, तो ये वैसे तो मेरा दिल कर रहा है आज ये जो है ना बिरयानी जलील की तरफ से ही है कि हंस रहा है कोई बात नहीं है यार क्या करें, बस मैंने कहा चलो देखते हैं, हो सकता है बिल तो मुझे ही देना पड़े, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, चेक करते हैं, शुगर लगाते हैं। तो जैसे कि हमारी बिरयानी आ गई है यहाँ पे, ये जलील साहब भी बैठा हुआ है, तो अभी हमारी बिरयानी आ गई है दोनों, और दोनों टेस्ट करते हैं, खाते हैं, मज़े लेते हैं, और किस तरह की क्या चेक करते हैं। अरे टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि कासिमाबाद के अंदर कासिमाबाद फूड पॉइंट पर बिरयानी अच्छी मिलती है, बाकी अब फजर पे जाओ या कहीं और जाओ तो यार टेस्ट सिस्टम मतलब मैटर नहीं करता,
वहाँ का जो है ना टेस्ट मज़ा नहीं कर रहा और यहाँ का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, वजह से यहाँ पर आते हैं खाना खाने और मुनासिब पैसे भी होते हैं। अभी ये हलीम भी आ गया तो हलीम भी टेस्ट करते हैं। हलीम मेरे ख्याल से बिरयानी के साथ ही होना चाहिए तो बेहतर है। तो ये देखें अभी हलीम के साथ ही टेस्ट करते हैं। अभी पहले ये ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने बिरयानी खा ली है तो अभी यहाँ से अभी हम जाने की तैयारी में जामशोर हो, तो जलील अभी गया कहीं काम से, वो सामने खड़ा है, जैसे ही आता है तो फिर हम निकलते हैं जामशोर के लिए। तो फिर इंशाल्लाह जामशोर से फिर सीधा जाएंगे, हो सकता है मैं व्लॉग वहाँ से ना बना पाऊँ, कुछ सामान वगैरह उठाना है वहाँ से, फिर व्लॉग नहीं बना सकेंगे। तो अभी हमारा फाइनल हो गया तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं अपने गाँव की तरफ। तो अभी यहाँ से तकरीबन एक घंटे का सफ़र लग जाएगा बाइक में गाँव में जाने का, क्योंकि अभी जलील भाई के पास भी सामान है, पीछे आप देख सकते हैं कितना वो सामान है हमारे पास। तो अभी हो सकता है रास्ते की जो है ना वापसी की वीडियोस ना बना पाए, और अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आगे चल के हम वीडियो ना बना पाए बाइक के जो सफ़र की है। तो अभी यहाँ हम पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, तो यहाँ से हम गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं फिर सफ़र को देखते हैं कंटिन्यू। तो जैसा कि व्यूअर आपने देखा होगा कि हमने पेट्रोल डलवा लिया है गाड़ी में, तो अभी हम निकलते हैं गांव के जाने। भाई ने 3000 का पेट्रोल डलवाया, भाई बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहे हैं। तो जैसा कि व्यूअर अभी पेट्रोल हमने लगवा लिया, अभी हम निकलते हैं गांव की जानब। तो अभी हमारे गांव का रास्ता तकरीबन एक घंटे का है, तो अभी बाइक पे जो है ना आगे मजीद आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि बाइक पे हमारे पास सामान बहुत है, लोड बहुत है, आगे मिल के ना फिर गाँव में पहुँच के फिर जो है ना आगे की अपडेट देते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम टनोवान पहुंच गए, हमारे घर का रास्ता तकरीबन 20 से 25 मिनट का रह गया और बाइक पर ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, हमने सोचा यहाँ से चाय पी के फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी चाय पीते हैं, यहाँ पे चाय का इंतजार हो रहा है, चाय पी के फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। तो जैसा कि अभी हमारी चाय आ गई है तो चाय पीने लगे हैं, चाय पी के अभी निकलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी चाय हमारी कम्प्लीट हो गई, हम निकलने लगे हैं आगे और अभी सफ़र के जाने पड़ते हैं। जैसा कि व्यूअर अभी मैं घर पहुंच गया और रात के 12:30 बज चुके हैं और जलील को मैं अपने घर छोड़ आया हूं। तो अभी बहुत थक गया हूं, सारा दिन व्लॉग बनाया है, बाइक चलाई है। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।